तो अभिषेक, आरसीपी का टिकट कटना महज इसे एक छोटी सी घटना माने कि भाई आपका अख्तियार है किसे राज्यसभा भेजो किसे ना भेजो, तो टिकट काटना था तो काट दिया, बात यहीं तक सीमित है क्या? या ये लंबा खेल है, संकेत बहुत बड़े दिए जा रहे हैं आपके खेमे से? संदीप जी, पूरी पार्टी ने, हमारे सभी विधायकों ने, हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी को अधिकृत किया था फैसला लेने के लिए, और पार्टी हर पहलू को देखकर विचार करके अंतिम रूप से निर्णय लेती है, वो निर्णय आप लोगों के सामने है। आरसीपी सिंह जी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, सम्मानित नेता रहे हैं, पार्टी के सर्वोच्च पदों पर रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं, दो बार पार्टी ने राज्यसभा भेजा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, सारी बातें उन्होंने भी कही हैं, आभार भी व्यक्त किया है। पार्टी का निर्णय जो होता है किसी भी कार्यकर्ता नेता के लिए सर्वोपरि होता है, उसके और भी कोई राजनीतिक निहितार्थ निकालने की हमें नहीं लगता कहीं से आवश्यकता है। किसी पहलू पर अगर देखना है तो जेडीयू के इस पहलू पर देखना आवश्यक है कि अभी जो दो सीटें जेडीयू की तरफ से राज्यसभा में दी गई, दो सामान्य कार्यकर्ताओं को दी गई, एक जिनका कर्नाटक से ताल्लुक है और एक जो झारखंड से ताल्लुक रखते हैं, तो किस तरह जमीनी नेताओं को, जमीनी कार्यकर्ताओं को भी पार्टी आगे बढ़ने का मौका देती है जो आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं है। हमारी पार्टी का कोई विशेष जनाधार कर्नाटका में तो नहीं है, पार्टी सोचती उस लिहाज से तो उन्हें टिकट नहीं देती, लेकिन पार्टी ने सोचा कि भाई अनिल हेगड़े जी इतने वर्षों से पार्टी के प्रति समर्पित हैं, आम कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, इस लिहाज से उनको राज्यसभा के लिए टिकट दिया गया। तो अब पॉलिटिकल मायने निकालने वाले लोग बहुत सारे मायने निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, मायने क्या, सीधा सा सवाल, मायने अपने पार्टी, सवाल बड़ा सीधा है। तो अब आरसीपी तो केंद्रीय मंत्री नहीं रहेंगे, राज्यसभा सांसद, सांसद ही खत्म, तो मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा, तो मतलब जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी रहेगी आपकी कि नहीं? ये सवाल मीडिया के लोगों ने, मीडिया के साथियों ने आज मुख्यमंत्री जी से भी पूछा था। उन्होंने कहा ना कि अभी तो कार्यकाल है, 5 जुलाई तक, संभवतः मुझे जहां तक स्मरण है 5 जुलाई तक उनका कार्यकाल है। यह बात आरसीपी सिंह जी ने भी बताई है, और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है या नहीं होता है, इन सारी चीजों पर निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेते हैं, उनका विशेषाधिकार है, तो इस पर कोई टिप्पणी इस वक्त करना एकदम उचित नहीं है। आप अपने कोटे से भेजते हैं ना, चार चार मंत्री मांग रहे थे ना 2019 में, एक पर बात वो अटक गई, उससे भी लेकर आरसीपी से नाराजगी थी आरसीपी सिंह से, अब आरसीपी सिंह बाहर जाएंगे तो आप अंदर किसी को भेजेंगे या नहीं, सीधा सवाल है ना संदीप जी? मुझे नहीं पता कि ये 4 का आंकड़ा आप लोगों के पास कैसे आया, हालांकि मीडिया अपने हिसाब से खबरें चलाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जो बातें उस वक्त हुई थी, मैं आपको बस एक बार स्मरण करा दूं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और समानुपातिक जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात हुई थी कि जिस हिसाब से हमारे एमपी थे, उस वक्त की जो चर्चा थी, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पार्टी नहीं चाहती थी, इस वजह से लोग शामिल नहीं हुए। अब आने वाले समय में, आप ये बिल्कुल सही कहा आपने, और मेरी बात को पुख्ता कर दिया कि बीजेपी के जितने सांसद हैं बिहार से और मंत्री जितने हैं उतने ही हमें दो, यही तो था, यही मांग थी ना? तो अब आंकड़ा तो मान लीजिए कि आप अपने हिसाब से निकाल रहे, एक बात जो हमारे नेता ने कही थी कि हम लोग और मजबूती से काम कर पाए जनता के लिए, इसके लिए पार्टी ने यह निर्णय उस वक्त लिया था, इस वजह से एक सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के नाते, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के नाते पार्टी नहीं शामिल हुई थी। तो एनडीए का केंद्र में हिस्सा रहेंगे या नहीं, प्रधानमंत्री? हाँ या ना, सीधा जवाब दीजिए ना। विचार कर रहे थे मैंने ये तो हमारे जिम्मे है ही नहीं ना, ये जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस है। अच्छा, ये किसके जिम्मे? प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री तो कहेंगे, आप अपना मंत्री बनाए रखेंगे कि नहीं? आरसीपी तो आपके कोटे से गए। नहीं, प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि नहीं कहेंगे आने वाले समय में या आने वाले सिचुएशन में, ये तो वही बता सकते हैं ना, एक काल्पनिक या एक अपने मन से बनाई। अच्छा, प्रधानमंत्री के गेंद के पाले में गेंद है, प्रधानमंत्री कहेंगे तो आप सोचेंगे, और आपने अच्छा किया वो 5 जुलाई तारीख भी आपने गिनवा दी कि तब तक कार्यकाल है आरसीपी सिंह का, जुलाई में ही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है, तो राष्ट्रपति जो एनडीए का उम्मीदवार होगा उसके समर्थन में रहेंगे कि नहीं?
देखिए हम लोग बड़ी मजबूती के साथ एनडीए में थे हैं और आगे भी रहेंगे। एनडीए के एक मजबूत घटक दल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर लोग जनता दल यूनाइटेड पर अपना अपनी आस्था और अपना विश्वास जताते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही यह बात, यह पार्टी के लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि एक राज्यसभा सीट तो छोटी सी बात है। अब मैं राष्ट्रपति पद के हिसाब राष्ट्रपति चुनाव की बात कर रहा हूं, उसमें एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देगी जेडीयू? अरे जब जनता दल यूनाइटेड एनडीए का एक मजबूत हिस्सा मजबूत घटक दल है तो किसी भी चुनाव में जहां एनडीए के प्रत्याशी होंगे वहां तो समर्थन देना लाजमी है ना। अच्छा, इसमें कोई तो वो 2012 में, अब सुनिए ना, 2012 में क्या हुआ है तो अरे सुनिए ना अभिषेक, आपने मेरा शुरुआती संबोधन ध्यान से नहीं सुना या आप भी अपना ही अपनी पार्टी का इतिहास थोड़ा सा भूल रहे हैं या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। 2012 में आप एनडीए का हिस्सा थे ना, पर समर्थन किसे दिया? प्रणब मुखर्जी, वो किसके उम्मीदवार थे? यूपीए के। और 2017 में आप महागठबंधन का हिस्सा थे, एनडीए का नहीं। तब आपने रामनाथ कोविंद जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे उनको समर्थन दिया ना, इसलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए इतिहास में क्या हुआ है, उस वक्त की सिचुएशन क्या थी, गठबंधन का स्वरूप क्या था या आगे आने वाले समय में आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा क्या निर्णय लिए जाने थे, उसके हिसाब से चीजें हो रही थी। इतिहास देखकर ही वर्तमान का विश्लेषण बेहतर होता है ना। आने वाले समय में जब राष्ट्रपति, वो तो विश्लेषण करने के लिए कोई भी स्वतंत्र है संदीप जी, और आने वाले समय में एनडीए की तरफ से कौन राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होते हैं, सिचुएशन क्या होता है, अंतिम रूप से पार्टी का निर्णय, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। बहरहाल मैंने आपको बताया है कि किसी भी चुनाव में आपने देखा है विगत के वर्षों में कि एनडीए के कोई भी प्रत्याशी होता है, लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो या कहीं पर भी, पूरी पार्टी मजबूती से एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए लगी हुई रहती है।